welcome back to my channel. My name is Tanya. So in today's video, I'm gonna share with you few skirts which I've ordered from Meesho. And जितने भी skirts मैंने pick किए हैं, these are in very affordable range. साथ में quality भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है. Like premium quality की skirts मैं आपके साथ share करने वाली हूँ. And mini skirts आपको मिल जाएंगी, flared skirts मिल जाएंगी, net वाली skirt, check skirt, एक सारा कुछ collection बहुत अच्छा होने वाला है, must have होने वाला है. So video के end तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी skip नहीं करिएगा. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पूरा वीडियो वॉच करके बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दो. मेरे चैनल पे ना इतना ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर वीडियो वॉच करते हैं जितना सब्सक्राइबर्स नहीं करते हैं, इससे कैसे चलेगा? दिस इज़ नॉट फेयर. लाइक हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब ही तो करना है. ओके, नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो. मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. सारी ही बहुत अच्छी हैं तो मैं कंफ्यूज हूँ, जो सबसे सस्ती है उससे स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्कर्ट विच आई एब्सोल्युटली लव्ड. सी दिस, बहुत ही क्यूट लग रही है ये. आपको पूरा लियोपार्ड प्रिंटेड की स्कर्ट मिल जाती है, इलास्टिकेटेड रहेगी, फ्लेयर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है इसका, ये देखिए. और मटेरियल भी बहुत अच्छा है, सेम बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका. एंड आई तो लव दिस, एंड इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव. ये मेरे को मिली थी कुछ 158 और 178, लाइक आपको 200 के अंदर ही अंदर मिल जाएगी. बट गाइज लुक एट द स्कर्ट एंड द प्राइस, जस्ट वाव. लाइक बहुत अच्छी है, कोई भी सेकेंड थॉट लाने की जरूरत नहीं है. अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली गो फॉर इट. इसका फैब्रिक है रेयॉन, इसका साइज मैंने आई गेस फ्री साइज है, इसका साइज आपको फ्री साइज मिलेगा, जो कि आराम से आ जाएगा. सेम इलास्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ ही अच्छी है. अगर आप इसकी अच्छे से स्टाइलिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा ही स्टाइलिश लगती है. लाइक अगर आप बूट्स के साथ पहनते हो, आप स्टॉकिंग्स के साथ, बैलीज के साथ पहनते हो, बहुत अच्छी लगी. ब्लैक, वाइट, ब्राउन, सभी कलर्स की टॉप के साथ चली जाएगी. मेरा सजेशन ये रहेगा आप हाईनेक वाली टॉप्स के साथ पहनो इसको, या फिर आप स्पैक्टी के साथ पहनो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी. बाकी शॉर्ट में आप लोग देख लेना मैंने कैसे स्टाइल किया. बाकी बहुत टाइप से आप स्टाइलिंग कर सकते हो. एंड आई तो लव दिस स्कर्ट, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज सब कुछ ही 10/10 है, तो मेरी साइड से तो हाईली रिकमेंडेड है. तो नेक्स्ट आई हैव दिस रफल स्कर्ट, जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है, एंड रिसेंटली मुझे कुछ ऐसी हुई है. मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ. एंड द स्कर्ट लुक्स लाइक दिस. ओके, गाइस बहुत ही हैवी फ्लेयर मिल रहा है आपको. सी इसका फ्लेयर, ओएमजी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. और फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, सी नेट फैब्रिक है बट बहुत सॉफ्ट वाली नेट यूज़ करी हुई है. एंड अंदर लिनिन भी दी हुई है. हाँ, अंदर आपको लिनिन भी अटैच मिलती है, तो सी थ्रू तो नहीं होने वाली फॉर श्योर. बाकी आपको वेस्ट पे से बेल्ट मिल जाती है. इसका साइज़ मैंने 30 ऑर्डर किया था, एंड मेरे को आराम से आ जाएगा, काफ़ी स्ट्रेचेबल है. दीज रफल्स गाइस बहुत प्रीटी लग रहा है, एंड इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है. बेबी पिंक कलर की मैंने पिक करी थी. इसमें और भी अच्छे कलर ऑप्शंस हैं, मैंने एक दो वेस्टलिस्ट किए हुए हैं, तो मेरे को जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी रिसीव हुई है, ये स्कर्ट रिसीव हुई, तो मेरे को लग रहा है मेरे को वो भी ऑर्डर करने पड़ेंगे जल्दी. एंड अच्छा पार्टी वेयर आइटम है ये. तो इसके लिए जो प्राइस मैंने पे किया था दैट इज़ 353 रुपीज़. सो गाइज आपको मिल रहे हैं 353 रुपये में बहुत ही अच्छी पार्टी वेयर स्कर्ट. एक मेरे से तो वेटिंग हो रहा है, मैं इसको कभी पहनूँ, कभी इसको स्टाइल करूँगी. आई डोंट नो मैं कैसी इसकी स्टाइलिंग करूँगी, उसको देखने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना होगा. बाकी शॉर्ट में तो आप लोग देख ही लोगे. बट सो फॉर दिस स्कर्ट आप बिग यस. नेक्स्ट मेरे पास एक और पिंक स्कर्ट, जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है, एंड रिसीव मुझे कुछ ऐसी हुई है. सो इसको मैंने अभी अभी वेयर किया हुआ था, मैंने रील बनाई हुई है. सो फ्रंट एंड बैक साइड में आपको ऐसे यहाँ पे जिप मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है, यहाँ से ये ओपन होएगी. बाकी आपको ऐसी इसकी बेल्ट मिल जाती है. इसका ना वेस्ट मुझे बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ये फ्रंट वाला पार्ट काफ़ी चौड़ा सा इन्होंने ये सब बेल्ट बनाया हुआ है. जब भी मैंने इसको वेयर किया था तो ये ना थोड़ा सा ऐसे चौड़ा चौड़ा सा लग रहा था, यहाँ पे ऐसे प्लेन प्लेन सा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी. अदरवाइज स्कर्ट बहुत अच्छी है, इसका फ्लेयर
प्लेट्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ पूरी स्कर्ट को कंप्लीट किया है, बहुत अच्छी लग रही है इससे। एंड इसके लिए मैंने प्राइस पे किया था 446 रुपीज़। आई नो ये थोड़ा सा महंगा है सभी स्कर्ट से, बट क्वालिटी में बात है गाइज। मेरे को बस ये इसका बेल्ट वाला पार्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, अदरवाइज दिस स्कर्ट इज़ डैम गॉर्जियस। देख आपको 443 में मिल रही है, बहुत ही अच्छी स्कर्ट, ब्रांडेड स्कर्ट देखने में लग रही है। अगर दूर से कोई देखे कोई नहीं कहेगा इतनी सस्ती स्कर्ट है। एंड मैं आपको इसका ना प्राइस टैग भी दिखा देती हूँ, 1299 इसकी MRP है और आपको मिल रही है 500 से भी कम में, गो फॉर इट। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो आप इसका डेफिनेटली जा सकते हो। सो नेक्स्ट मेरे पास ये डेनिम स्कर्ट जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है एंड रियल में देखने में, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है स्कर्ट, इसमें भी आयरन नहीं किया है। यहाँ आपको ऐसे फ्रंट पे बटन्स की डिटेलिंग मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी की बटन्स हैं, अच्छी लग रही है। और ये जो स्लिट है ना यहाँ पे, ये बहुत सेक्सी लगता है, लाइक जब भी आप पहनोगे ना, मैंने इसको वेयर किया था बहुत अमेजिंग लग रही थी है। एंड आपको बैक पे आपको ऐसे इलास्टिक मिल जाती है, बाकी पूरा प्लेन रहेगी। ये मुझे लग रहा था ना स्ट्रेट वाली फिट वाली स्कर्ट होगी, बट ये ऐसे आपको फ्लेयर वाली स्कर्ट मिलती है। ये बिल्कुल जो स्ट्रेट फिट होती है ना वैसी नहीं है। ये मेरे को मिली थी 197 में, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, डेनिम स्कर्ट्स इतने सस्ते में नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट मेरे पास ये सेमी स्टिच स्कर्ट जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है एंड रियल में देखने में, सो इसके साथ आपको एक ये टॉप के लिए भी फैब्रिक मिल जाता है, पूरा प्लेन है ये ब्लैक कलर का, इसमें नेट और ये आपको साटन का फैब्रिक मिल जाता है। एंड ये आपको साटन की स्कर्ट मिल जाती है, ये भी सेमी स्टिच्ड है, ये बस आपको ये साइड से स्टिच करानी रहेगी जितना आपको चाहिए अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग, बाकी पूरा आपको ऐसे स्टिच्ड मिलती है। सो ये कुछ इस तरह से है, प्लेन स्कर्ट है, फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये देखिए फ्लेयर बहुत अच्छा है इस स्कर्ट का, बहुत ज़्यादा ही। एंड लेंथ भी काफ़ी सही है एंड इसमें अंदर आपको लिनिन भी मिल जाती है, ये देखिए। सो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अस्तर की भी और ये फैब्रिक की भी। एंड बाकी आपको ये ऐसे यहाँ पे डोरी के साथ आपको ये टेसल्स मिल जाते हैं क्यूट से, ये फ्री साइज में मंगाई थी मैंने। एंड इसका प्राइस था कुछ 450 और 500 के अंदर ही ये मुझे मिली थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक आपको 450 में इतनी घेर वाली स्कर्ट मिल रही है और उसके साथ आपको ये फैब्रिक मिल रहा है, तो आप इसको स्टिच करा लो या इसके साथ ही अटैच करवा लोगे तो ये गाउन बन जाएगा। एंड अगर आपको ऐसे अलग से स्टिच कराना है तो आपको स्कर्ट टॉप बन जाएगी, और वरना आप इसके साथ कोई भी टॉप पहन लो, ब्लैक कलर की टॉप तो सबके पास होती ही है। इसमें आपको और भी काफ़ी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, और मैंने भी एक दो विशलिस्ट किए हुए हैं। मेरे को ये था पहले मैं ये मंगा के देख लूँ इसका फ्लेयर कैसा है, ये क्वालिटी कैसी है, फिर मैं वो कुछ और मंगाऊँ। तो इसकी क्वालिटी तो मुझे लाइक 10 out of 10 लगी है, तो ये काफ़ी अच्छा परचेज है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये परचेज मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट लगा, तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है। सो नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल स्कर्ट जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है एंड रियल में देखने में, सो इसका पैटर्न कुछ ऐसा है। ये आपको रिंकल पैटर्न में स्कर्ट मिलती है, जो कि बहुत ट्रेंडिंग होती है, बहुत क्लासी लगती है। एंड ये आपको इलास्टिकेटेड मिल जाती है, बाकी पूरा प्लेन रहेगी। एंड इसकी लेंथ ना ही ज़्यादा लॉन्ग है ना ही शॉर्ट है, मिड लेंथ आपको मिल जाती है, जो कि एकदम परफेक्ट होती है। एंड काफ़ी अच्छा ये पार्टी वेयर आइटम आपको मिल रहा है ये, एंड कलर भी अच्छा है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे जैसा पिक्चर में दिखा रहे थे उससे, बट ये भी अच्छा लग रहा है। तो इसका फैब्रिक है साटन, इसका साइज मैंने 30 मंगाया था, जो कि मेरे को एकदम परफेक्ट फिट आया है। एंड इसका प्राइस है जस्ट 298 रुपीज़, लाइक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इस टाइप की स्कर्ट्स ना जब भी चले थे ना तभी ऐसे 600-700 में थे, एंड मार्केट में भी ऐसे ही आपको रेंज मिलेगा, बट यहाँ पे मीशो है तो आपको वो सस्ता मिलना ही है,
बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग देख ही सकते होंगे कितना अच्छा लग रहा है, पहनने से भी बहुत अच्छी लगता है, आप इसको काफ़ी तरह से स्टाइल कर सकते हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परचेज़ है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, और इसको मैं रेट करने वाली हूँ 10 out of 10। नेक्स्ट आई हैव द वेरी क्लासी स्कर्ट जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है, एंड विद सेम मुझे कुछ ऐसी ही मिली है। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने कर रही हूँ। एंड ओके, सो ये इसका फ्रंट पार्ट रहेगा एंड दिस इज द बैक पार्ट। बैक पूरा ही प्लेन मिलेगा आपको, फुल लेंथ मिलेगी आपको, एंड फ्रंट पे आपको इससे बटन की डिटेलिंग मिल जाती है। बटन क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी आपको ये स्लेट मिल जाता है। तो ये पूरी प्लेन स्कर्ट रहेगी, बस ये बटन्स की वजह से ना ये थोड़ा सा अच्छी लग रही है, लाइक मेरे को थोड़ा एक्सपेक्टेड था ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ऑल्दो इसका प्राइस काफ़ी कम है, बट पिक्चर के देखने से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड इसका फैब्रिक मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, बाकी ये आपको स्कूबा फैब्रिक में मिल जाती है। ये पॉलिस्टर ही है, लाइक स्कूबा पॉलिस्टर सब सेम ही लगते हैं, तो फैब्रिक क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ये, देखिए थोड़ा सा तो है। तो आपको ब्लैक शॉर्ट्स ही पहनने रहेंगे। तो इसका साइज़ मैंने 30 ऑर्डर किया था, जो कि मेरे को आराम से आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फिटेड वाली स्कर्ट रहेगी ना, ऐसे बॉडी फिट वाली, ये वैसी वाली स्कर्ट है, तो 30 मेरे को आ जाएगा इसका। एंड इसका प्राइस है, ये मेरे को मिली थी कुछ 263 और 283 रुपीज़ में। हाँ, तो ये मेरे को मिली थी 260 रुपीज़ में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बाकी पहनने से समझ आएगा ये कैसी लगेगी। तो ट्रेंड में आप लोग देख लेना, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि प्राइस रेंज के कंपेरेटिवली ये काफ़ी सही है, लाइक 263 में कहाँ ही कुछ अच्छा मिलता है, तो 263 के हिसाब से तो ये सही है, पार्टी वेयर आइटम है, बाकी ट्रेंड में देख के आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप परचेज़ कर लीजिएगा, और अगर आपको ट्रेंड में नहीं समझ आती तो आप नहीं परचेज़ करेगा। मैं भी तभी ही डिसाइड कर पाऊँगी कि मेरे को ये कैसी रखनी है, क्योंकि लुक वाइज तो ये अच्छी है, बाकी क्वालिटी वाइज उतना अच्छी नहीं है, तो मेरे लिए ओके ओके है। अगर रेट करूँगी मैं इसको तो मैं करूँगी 7 out of 10। लाइक प्राइस के हिसाब से ठीक है, डिफरेंट है, लुक अच्छा है, तो देखा जा सकता है। सो इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। सो नेक्स्ट आई हैव दिस वाइट स्कर्ट जो कि मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुई है। ओके सो ये कुछ ऐसी रहेगी। सो इसका लेंथ मुझे थोड़ा बड़ा रिसीव हुआ आई गेस, एक पिक्चर में ये मिनी स्कर्ट दिखा रहे थे, बट इसका लेंथ तो ये नी तक आएगा, उससे थोड़ा नीचे ही रहेगी है। सो इसकी लेंथ की वजह से मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि मेरे को ना वो एकदम से शॉर्ट वाली, ऐसे फ्लॉपी फ्लॉपी, ऐसे बच्चे पहनते हैं ना छोटे बच्चे, वैसी वाली चाहिए थे, एंड ये मेरे को ऐसे थोड़ा सा लंबा मिला है। अगर क्वालिटी की बात करें तो इन्होंने ना थोड़ा सा ऐसे कड़क वाली नेट यूज़ करी है, बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट वाली नेट नहीं है, एंड अंदर आपको ये सिल्क का फैब्रिक मिल जाता है, सिल्क की लिनन मिल जाती है, हल्का वाला सिल्क होता है ना वो वाली, साटन सिल्क बोलते हैं उसको, एंड बाकी आपको ये ऐसे बेल्ट मिल जाती है वेस्ट पे साटन की। सो जिस प्राइस रेंज में मैंने इसको परचेज किया उसके हिसाब से तो सोचा जा सकता है इसके बारे में। इसके लिए मैंने प्राइस पे किया था, दैट इज़ 297 रुपीज़। तो 297 में आपको मिल रही है वाइट स्कर्ट, ये तो सभी ही कलर्स के साथ चली जाएगी, लाइक आप ऊपर कुछ भी वेयर कर लो सबके साथ चली जाएगी, वाइट कलर है ना सबके साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि शॉर्ट होती तो मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती, बट ठीक है कोई बात नहीं है, 297 में उतना बुरा नहीं है। सो ओवरऑल अच्छी है स्कर्ट, इस प्राइस रेंज के कंपेरेटिवली तो लाइक अच्छी है, तो इसको अगर मैं रेट करूँगी तो मैं दूँगी 8 out of 10। So if you want you can go for it. So next I have this black skirt जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है, एंड वैसे ही मुझे कुछ ऐसी हुई है।
नॉट पैक्ड। फिर पूरी ही आपको प्लेन स्कर्ट मिलती है जिसमें आपको ये साइड में स्लिट मिल जाता है। इसका वेस्ट कुछ ऐसे रहेगा। ये बेल्ट साइज सही है, देखिए बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं ना तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। एंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, इसके लिए जो प्राइस पे किया था उसके हिसाब से तो स्कर्ट बहुत सही है। तो एक ब्लैक प्लेन स्कर्ट तो आपके पास होनी ही चाहिए लाइक आपके कलेक्शन में। सो इसकी लेंथ आपको फुल मिल जाती है, अच्छी खासी लेंथ है। अगर आप हील्स पे वेयर करते हो तो कोई इश्यू नहीं होगा, बाकी हाई वेस्टेड रहेगी है। सो इसका फैब्रिक है लाइक्रा, फैब्रिक क्वालिटी भी ठीक है, लाइक बहुत बुरी नहीं है। एंड इसका साइज़ मैंने 32 मंगाया था जो कि मेरे को आराम से आ जाएगा। हाँ हल्का सा स्ट्रेच भी है तो आ जाना चाहिए। बाकी इसका प्राइस है, इसके लिए मैंने प्राइस पे किया था कुछ 180 और 190 रुपीज़। देखो क्यों ऐसा लगा कि कोई मेरे मिरर से अभी गया। ओके क्या चल रहा है, नहीं मेरा सिर्फ आराम होगा, नहीं ताने और कुछ नहीं है। हाँ तो इसके लिए मैंने प्राइस पे किया था कुछ 200 के अंदर ही अंदर आपको मिल जाएगी। ओके इसका शेडो था, एक मैं ऐसे स्कर्ट दिखा रही थी इसका शेडो था, मेरे को लगा पता नहीं क्या है। ओके सो 153-183 कुछ प्राइस था, जो भी प्राइस होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी प्राइस रेंज में मैंने परचेज। फोकस तान्या फोकस। ब्लैक स्कर्ट तो आपके पास होनी ही चाहिए, आपके कलेक्शन में मस्ट है वह। ऊपर से ये हाई वेस्टेड है, सी थ्रू भी नहीं है, स्टाइलिश है, स्लेट है। एंड आप इसको एज अ पेटीकोट भी वेयर कर सकते हो, लाइक आप किसी साड़ी वगैरह पे भी पहनते हो ना, आजकल ऐसे चलते हैं, आप अगर साड़ी पे भी पहनते हो तो भी सही है, शेप वेयर का भी काम करेगा ये, तो अच्छा परचेज है लाइक इतने कम प्राइस रेंज में। और क्या ही चाहिए, आप इसको स्कर्ट की तरह पहन लो, पेटीकोट की तरह पहन लो। एंड आई तो लव दिस। नेक्स्ट आई हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल स्कर्ट जो कुछ इस तरह से है। सो ये ना मैंने मीशो से बहुत पहले मंगाई थी, लाइक बहुत पहले जब मीशो नए नए आया था। एंड क्योंकि मैं स्कर्ट हॉल दिखा रही थी और मेरे को ये कैसे भी आज दिख गई, तो मैंने सोचा इस हॉल में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये, क्योंकि अभी भी इन स्टॉक है, इसके और भी कलर्स इन स्टॉक है, तो मैंने सोचा आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग ले लीजिएगा। कुछ ऐसे रहेगी, फुल लेंथ रहेगी, फ्लेयर मिल जाता है आपको, लिनिन अटैच्ड मिल जाता है आपको। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, नेट का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। साइज़ इसका मैंने 32 मंगाया था, एकदम सही फिट आया है। एंड इसका प्राइस है, ये मेरे को मिली थी कुछ 400 रुपीज़ में, लाइक तब भी मैंने परचेज करी थी तभी 400 थे, अभी तो आई गेस 350 कुछ रुपीज़ है, मैंने चेक नहीं किया, बाकी जो भी प्राइस रहेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो काफ़ी अच्छी स्कर्ट है, वर्सेटाइल है, आप इसको बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हो, तो अच्छा परचेज है। पार्टी वेयर आप इसको सभी वेयर कर सकते हो, वेडिंग्स में भी पहन सकते हो, क्लियर बहुत अच्छा है। और अगर आप कैंकिन के साथ पहनते हो तो बहुत हैवी लगेगी, लाइक बहुत अच्छी लगेगी, तो आप अच्छे से स्टाइलिंग करते हो तो ये बहुत अच्छा पीस होने वाला है। एंड या गो फॉर इट। सो नेक्स्ट आई हैव दिस चेक स्कर्ट जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है, एंड वैसे मुझे कुछ ऐसी हुई है। What? कोई मुझे बताइए स्कर्ट कहाँ से है, और मैंने स्कर्ट मंगाई थी, मेरे को ये क्यों दिया है, क्यों स्कैम, हर वीडियो में स्कैम हो रहा है मेरे साथ, लाइक इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। मैं इतना खोजती मीशो से कि मीशो मेरे साथ स्कैम नहीं करती है, मैं जो मंगाती हूँ मुझे अच्छा ही मिलता है। और कलर प्रिंट बिल्कुल सेम है जैसे स्कर्ट में दिखा रहे थे, फैब्रिक भी सेम है, कॉटन का फैब्रिक है, एंड साइज भी सेम है, 30 साइज मैंने ऑर्डर किया था, सब कुछ ही सेम है, बस स्कर्ट छोड़ के पैंट मिल जाता है आपको। मीशो इतना सारा स्कैम करेगी तो मेरे को तो मीशो से स्विच ही करना पड़ेगा, लिंक पूरे ही हॉल में मैं इतना खुश थी, मेरे को सब इतना अच्छा मिला, और लास्ट में जिस मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी है और लास्ट में मेरे को पता चलता है मेरे साथ स्कैम हुआ है।
क्या कर सकते हैं, स्कैम तो हो गया। बाकी मैं इसको रिटर्न करी हूँ फॉर श्योर, मैं इसको नहीं रखने वाली क्योंकि मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, आप लोगों को मेरी स्कर्ट्स, मेरा कलेक्शन अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, टाटा।